आप पेट्स यानी पालतू जानवरों को रखने के शौकीन हो तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल नोएडा में अब सभी लोगों को अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने ऐप भी लॉन्च की है। नोएडा पेट रजिस्ट्रेशन ऐप के जरिए उन सभी लोगों को अपने पेट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसके पास पालतू जानवर है। हालांकि पेट्स का रजिस्ट्रेशन घर बैठे ऐप के जरिए आप कर सकेंगे। प्राधिकरण का ये ऐप प्ले स्टोर पर भी मौजूद है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि ये जल्द ठीक से काम करने लगेगा। पेट्स का रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐप पर ही लेटर और उसे पालने वाले की जानकारी मिलेगी। खास बात यह है कि ऐप पर ₹1,000 में एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराना होगा। इस ऐप को आसानी से मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिखेगा। इस पर क्लिक करने के बाद अपने पेट की जानकारी आपको देनी होगी। पहचान के लिए उसका फोटो भी अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की फीस भी जमा करनी होगी। हालांकि पड़ोसी या अन्य किसी के द्वारा आपके पेट्स की कोई शिकायत मिलती है तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। और इतना ही नहीं, नोएडा प्राधिकरण पेट लवर्स के लिए सेक्टर 137 में बेहतरीन डॉग पार्क बना रहा है। तारणी अथॉरिटी ने कुछ दिन पहले ही 2,65,00,000 रुपए के टेंडर भी जारी किए हैं और इस पार्क में डॉग के खेलने, खाने पीने और ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही मालिकों के लिए बैठने के लिए पवेलियन भी बनाए जाएंगे।